Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dear students of 10th class, today's our message is manfi soch nahi rakhni. हमारा आज का पैगाम है मनफी सोच नहीं रखनी. स्टूडेंट्स, ज़िंदगी के जो हैं वो टू एस्पेक्ट्स होते हैं और हमेशा जो है वो हमें पॉजिटिव साइड को देखना चाहिए, ठीक है, नेगेटिव साइड से अवॉइड करना चाहिए और पॉजिटिव साइड को हमेशा जो है वो देखना चाहिए. नाउ मूव्स टूवर्ड्स आवर मेन टॉपिक, सब्जेक्ट इंग्लिश, क्लास 10th, यूनिट 1. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एन एम्बॉडीमेंट ऑफ जस्टिस, एंड आवर टॉपिक इज़ वर्ड्स मीनिंग एंड ट्रांसलेशन. स्टूडेंट्स, एज यू नो वेरी वेल डेट वी हैव रेड वर्ड्स मीनिंग एंड ट्रांसलेशन ऑफ फर्स्ट फोर्थ पैराग्राफ, एंड टुडे वी विल रीड द वर्ड्स मीनिंग एंड ट्रांसलेशन ऑफ 6th and 7th पैराग्राफ. लेट्स वी स्टार्ट फ्राम वर्ड्स मीनिंग्स. Sermon. Sermon mean khutbah. Ancestors. Ancestors mean abao. Ajdad. Baab dada. Revenge. Revenge mean badla. Intakam. Appeal. Appeal mean दरख्वास्त करना. Jews. Jews mean यहूदी. Commandment. Commandment mean हुक्म. In least. In least mean ज़रा बराबर, बिल्कुल थोड़ी सी, ठीक है, एक ज़रे के बराबर. Arguments. Arguments mean dalail. Demand. Demand mean matalba karna. Demand. Demand mean matalba karna. Circumstances. Circumstances mean halat. Judgment. Judgment mean faisla. Affairs. Affairs mean mamlaat. Uphold. Uphold mean barqarar रखना. लॉ कानून. स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने अपने वर्ड्स मीनिंग पढ़ लिए हैं, अब हम ट्रांसलेशन पढ़ेंगे पैराग्राफ नंबर 5th and 6th की. लेट्स वी स्टार्ट फ्रॉम 5th पैराग्राफ. द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज सो वेल नाउन, वो इस कदर मशहूर थे फॉर हिज जस्टिस, इंसाफ की वजह से, डेट इवन द ज्यूज, यहाँ तक के यहूदी, हु वर हिज बिटर एनिमीज, जो उनके बदतरीन सख्त दुश्मन थे, ब्रॉट देयर सोर्स टू हिम, वो अपने मामलात आपके पास लेकर आते थे, एंड ही डिसाइडेड, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फैसला करते केसेस मामलात का, इन अकॉर्डेंस विद द ज्यूज लॉ, यहूदी के जो कवानीन थे उसके मुताबिक आप जो है उनका फैसला करते. द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज सो वेल नाउन फॉर हिज जस्टिस डेट इवन द ज्यूज हु वर हिज बिटर एनिमीज brought their swords to him, and he decided cases in accordance with the Jewish law. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर मशहूर थे अपने इंसाफ की वजह से कि यहूदी भी अपने मामलात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाते, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूदी कवानीन के मुताबिक, यहूदी कानून के मुताबिक
इन्हें जो है वो इनका फैसला करते। ही वेरी स्ट्रिक्टली फॉलोड द कमेंटमेंट ऑफ अल्लाह, वो बड़ी सख्ती से, यहाँ जो है वो ही कौन है, हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वेरी स्ट्रिक्टली फॉलो द कमेंटमेंट ऑफ अल्लाह, वो अल्लाह ताला के हुक्म की अतात करते, उसकी पैरवी करते। इफ़ दे कम टू यू, अगर आपके पास वो आए, आइदर जज बिटवीन देम, तो या आप उनका उनके फैसले कर दें और डिक्लाइन टू इंटरफेयर, या मदाहलत करने से इनकार कर दें। इफ़ यू डिक्लाइन, अगर आप इनकार करते हैं, दे कांट हर्ट यू इन लीस्ट, वो आपको ज़रा बराबर भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। ये हमारे प्यारे रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया जा रहा है। इफ़ दे कम टू यू, अगर वो आपके पास आते हैं, आइदर जज बिटवीन देम, तो चाहे आप उनके फ़ैसले कर दें और डिक्लाइन टू इंटरफेयर, या मदाहलत करने से इनकार कर दें। इफ़ यू डिक्लाइन, अगर आप इनकार करते हैं, दे कांट हर्ट यू इन लीस्ट, वो आपको ज़रा बराबर भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। इफ़ यू जज, अगर आप फैसला करते हैं, जज इन एक्विटी बिटवीन देम, तो इनके दरमियान इंसाफ के साथ फैसला करें। फॉर गॉड, क्योंकि खुदा लव दोस्त उनसे मोहब्बत करता है, हु जज इन एक्विटी, जो इंसाफ के असूलों को मद्देनज़र रखते हुए, जो इंसाफ के मुताबिक फ़ैसला करते हैं, खुदा उन लोगों को पसंद करता है जो इंसाफ से फ़ैसला करते हैं। लेट्स वी स्टार्ट 6 पैराग्राफ। जस्टिस डिमांड्स, इंसाफ का ये तकाजा है, इंसाफ ये मुतालबा करता है, डेट इट शुड बी अपहेल्ड, कि इसे बरकरार रखा जाए, इन ऑल द सर्कमस्टांसिस, हर किस्म के हालात में, इवन इफ़ इट गोज़ अगेंस्ट, चाहे या हत्ता के हवा ये खिलाफ जाता हो, वंस ऑन सेल्फ, किसी की अपनी ज़ात के, और वंस फैमिली, खानदान के, और रिलेशंस, और रिश्तेदारों के। Justice demands that it should be upheld in all the circumstances, even if it goes against one's own self or one's family or relations. इंसाफ का ये तकाजा है कि इसे हर किस्म के हालात में बरकरार रखा जाए, हवा वो अपनी ज़ात के खिलाफ, अपनी खानदान के या रिश्तेदारों के खिलाफ ही क्यों ना जाता हो। All of his life, अपनी सारी ज़िंदगी, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जज अदर पीपल्स अफेयर, उन्होंने फ़ैसला किया दूसरे लोगों के मामलात का, विद जस्टिस, इंसाफ के साथ, एंड टोल्ड हिज कंपेनियन टू बी जस्ट, और अपने साथियों को, अपने सहाबा कराम को भी आदल बनने को कहा। All of his life, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam judged other people's affairs with just and told his companion to be just. Nabi sallallahu alaihi wasallam ne apni sari zindagi दूसरों के मामलात को इंसाफ के साथ, दूसरों के मामलात का फैसला किया, और अपने सहाबा कराम को भी आदिल बनने को कहा। इट इज़ रिपोर्टेड बाय हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो से रवायत है, डेट अल्लाह मसेंजर, अल्लाह ताला का पैगंबर, खुदा का पैगंबर या पैगाम देने वाला, सेड टू हिम, ने उन्हें फरमाया, यहाँ हिम कौन है, हज़रत अली, हज़रत अली से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो अल्लाह ताला के पैगंबर हैं, उन्होंने फरमाया, When two men come to you for judgment, जब दो लोग आपके पास फैसले के लिए आएं, never decide in favor of one, किसी एक के हक में फैसला मत दो, without hearing the arguments of the other, दूसरों के
दूसरे के दलाइल सुने बगैर किसी एक के हक में फ़ैसला मत दो। ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हों से फरमाया कि अगर दो आदमी तुम्हारे पास फ़ैसले के लिए आएँ तो कभी भी ऐसा मत करना कि किसी एक के हक में फ़ैसला दे दो दूसरे इंसान की बात सुने बगैर, या दूसरे के दलाइल को सुने बगैर किसी एक के हक में फ़ैसला मत देना। इट्स देन मोस्ट लाइकली, इसी सूरत बहुत ज़्यादा अमकान है, डेट यू विल नो द ट्रूथ, कि तुम्हें सच मालूम हो जाएगा। इस बात में इस चीज़ की 90% जो है वो श्योरिटी है कि तुम्हें सच मालूम हो जाएगा अगर तुम फ़ैसला करने से पहले सिर्फ एक ही बात ना सुनो बल्कि दोनों के दलाइल को सुनो और फिर जो है कोई डिसीजन लो। और उन्होंने क्या कहा है, इट इज़ देन मोस्ट लाइकली डैट यू विल नो द ट्रूथ, और इसी सूरत में बहुत ज़्यादा इम्कान है कि आपको सच का इलम हो जाएगा। हज़रत माविया रज़ी अल्लाह अन्हो रिपोर्टेड अल्लाह मैसेंजर, हज़रत माविया रज़ी अल्लाह अन्हो ने अल्लाह ताला के पैगंबर को एस सेइंग ये कहते हुए सुना, एनी रूलर, कोई भी हुक्मरान और जज, कोई भी हाकिम, हु क्लोजिज़ हिज डोर ऑन द पुअर, जो गरीबों पर दरवाज़ा बंद करता है, द नीडी, ज़रूरतमंदों पर, एंड द डेस्टिट्यूट, और मुहताजों पर। हज़रत माविया रज़ी अल्लाह अन्हो ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहते हुए सुना कि कोई भी हुक्मरान जो गरीबों पर, मुहताजों पर और ज़रूरतमंदों पर दरवाज़ा बंद करता है, गॉड क्लोजेस हिज डोर ऑन हिम, खुदा उस पर दरवाज़ा बंद कर देता है। स्टूडेंट्स इस लाइन को देखें, यहाँ जो है वो लिखा है गॉड क्लोजेस हिज डोर, और हिज का एच जो है वो कैपिटल है, तो आपने ये बात अपने माइंड में रखनी है कि जहाँ भी खुदा के लिए जो प्रोनाउन यूज़ होता है वो हमेशा उसका फर्स्ट वाला लेटर कैपिटल होता है, और ये क्वालिटी सिर्फ जो है वो खुदा के लिए है कि अगर कहीं भी खुदा के लिए प्रोनाउन यूज़ किया जाता है तो उसका फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल होता है। इवन कि हमने इस चैप्टर में देखा है कि हिज बहुत सी जगहों पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी यूज़ किया गया है, लेकिन उसका फर्स्ट वाला लेटर कैपिटल नहीं है। लेकिन जहाँ भी खुदा के लिए कोई भी प्रॉपर नाउन यूज़ किया जाए तो उसका फर्स्ट वाला लेटर हमेशा कैपिटल लिखा जाता है। गॉड क्लोजेस हिज डोर ऑन हिम, खुदा उन पर भी दरवाज़ा बंद कर देता है, when he becomes needy and destitute, जब उन्हें ज़रूरत पड़ती है, जब वो मोहताज होते हैं तो खुदा भी उन पर दरवाज़ा बंद कर देता है। सेवन्थ पैराग्राफ है हमारे पास, वाइल, जबकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज ऑन हिज डेथ बेड, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्तरे मर्ग पर थे, ही प्रोक्लेम्ड, आपने बज़ाबता ऐलान किया, इफ़ आई ऑन समथिंग टू एनी वन, अगर मैंने किसी का कर्ज देना है, और इफ़ आई रोंगड एनी पर्सन, अगर मैंने किसी के साथ किसी किस्म की भी ज़्यादती की हो, और डैमेज एनी वनस प्रॉपर्टी, या किसी की मलकियत, किसी की जायदाद को नुकसान पहुंचाया हो, और ऑनर, या किसी की इज़्ज़त को, माय पर्सन, मेरी ज़ात, माय ऑनर, मेरी इज़्ज़त, एंड माय प्रॉपर्टी, और मेरी जायदाद आर हियर, यहाँ है, ही मे टेक रिवेंज ऑन मी, मुझसे आप जो हैं आप मुझसे बदला ले सकते हैं, इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में, मेरी ज़ात, मेरी इज़्ज़त, मेरी जायदाद यहाँ है, आप इस दुनिया में मुझसे बदला ले सकते हैं। अगेन इस लाइन को देखें, इफ़ आई ऑर्ड समथिंग टू एनी वन, अगर मैंने किसी का कर्ज देना है, मैं किसी का मकरूज़ हूँ, और
इफ़ आई रॉन्ग्ड एनी पर्सन, अगर मैंने किसी के साथ बुरा किया है और डैमेज एनी वंस प्रॉपर्टी या किसी की मलकियत, किसी की जायदाद को नुकसान पहुंचाया है और ऑनर या इज्जत को, माय पर्सन मेरी ज़ात, माय ऑनर मेरी इज्जत एंड माय प्रॉपर्टी आर हियर, और मेरी जायदाद यहाँ है, ही मे टेक रिवेंज ऑन मी इन दिस वर्ल्ड, वो मुझसे इसी दुनिया में बदला ले सकता है। देयर वॉज कम्प्लीट साइलेंस, बिल्कुल खामोशी थी। ओनली वन पर्सन डिमांडेड, सिर्फ एक इंसान ने डिमांड की, तकाजा किया, अ फ्यू दिरम्स, चंद दिरमों का, विच वर पेड टू हिम, जो उसे दे दिए गए थे। यहाँ देखें स्टूडेंट्स, ये जो दिरम्स हैं, ये UAE जो है उसकी एक स्टेट है दुबई, उसके जो हैं उसकी ये करेंसी है दिरम्स, ठीक है। तो अगेन देखें इस लाइन को, ओनली वन पर्सन डिमांडेड अ फ्यू दिरम्स विच वर पेड टू हिम, सिर्फ एक शख्स ने चंद दिरमों का तकाजा किया जो उसे दे दिए गए थे। स्टूडेंट्स आज हमने फिर जो है जो पैराग्राफ पढ़े हैं, ट्रांसलेशन की है जिन पैराग्राफ की, उसके हमने पहले जो हैं वो वाइट बोर्ड पे वर्ड्स मीनिंग जो हैं वो रीड किए हैं, जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे। और ये आप लोगों की डायरी भी यही है कि आपने घर बैठ के इसे जो है वो एक दफ़ा ज़रूर पढ़ना है, इसे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।